सत श्री अकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मेरा नाम है कुलवंत सिंह। सेहत मामलों नूं लैके अज एक बार फिर असी डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर होना दे नाल चर्चा करांगे। तो अज का विशा एक अजिहा विशा रहेगा जिस दे बारे जानदे तां सारे ने, लेकिन उस दे अंदर दे गुण की ने ये शायद सारे लोगों ना पता होवे। ते ओ जिहड़ा आयुर्वेद विच जिहड़ा उहदा नाम जिहड़ा ओ बड़े सत्कार नाल लिया जांदा, आंवला। आंवला अक्सर आपां गल करदे आं जदों किसी भी आयुर्वेद के माहर दे नाल आपां गल करदे आं तां ओह एक चीज़ जिहड़ी आ ओह सारे ही आयुर्वेद के माहर बोलणगे, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ जिहड़ी आ बॉडी दे टैंपरामेंट तासीर जिहड़ी आ ओह उस दे मुताबक जिहड़े आ, वात दी बॉडी है, पित्त दे तासीर दी बॉडी है, या फिर कफ दे तासीर दी बॉडी है, उहदे अनुसार जिहड़े ने ओह उहदे इलाज दस्से जांदे ने, उहदे अनुसार बॉडी नूं डायग्नोस किया जांदा है। तो उहदे अनुसार ही जिहड़े उहदे नाल जिहड़े उसदे अपना दवाइयां या जड़ियां बूटियां या उहदे औषधियां जिहड़ियां उहनूं दित्तियां जांदियां ने। हुण सवाल इत्थे पैदा हुंदा है कि कोई अजिही जड़ी बूटी या कोई इहो जिहा प्रोडक्ट है जिहड़ा कि तिन्नों तरहां दी तासीर दे उत्ते जिहड़ा असर करदा होवे, उसनूं फायदा पहुँचाउंदा होवे। तो उहदे जवाब दे उहदा जवाब लैण लई अज आपां डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर होणा दे नाल गल्लबात करांगे। तो जानदे आ कि उहदे उहनां दे अनुसार जिहड़ा किहड़े ऐसे प्रोडक्ट ने जिन्हां तों आपां नूं इह चीज़ां हासिल हो सकदियां ने। डॉक्टर साहब, तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी की सारी टीम नूं और देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। डॉक्टर साहब, वात पित्त कफ अक्सर तुसीं भी गल करदे हो, बहुत सारे जिहड़े मैं आयुर्वेद के माहर लोगों के नाल भी गल की है, वात पित्त कफ जिहड़ी है तासीर टैंपरामेंट जिहड़ा बॉडी का उहदे अनुसार वह इलाज किए जाते हैं, उहदे अनुसार बॉडी नूं डायग्नोस किया जाता है। तो अक्सर उहदे अनुसार ही जिहड़ा है दस्या भी जाता भी कि चीज़ा जिहड़ियां ने इहदे ते कम करनगियां, किहड़ी तासीर दी बॉडी दे उत्ते किहड़ी दवाई किहड़ा इलाज जिहड़ा उहदे ते कम करेगा। कोई अजिहा भी है जिहड़ा सारे तरह की तस्वीर की जिहड़ी बॉडी की तस्वीर जिहड़ी होवे ते उहदे ते उह कम करदा हो? बिल्कुल जी, इहदे च बहुत ही पावरफुल औषधि है साडे कोल और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है, ठीक है, जिहनूं आंवला कहिंदे आपां, ठीक है। और वैसे इहनूं गोजीबेरी बोलिया जांदा है, इंडियन गोजीबेरी, ठीक है। और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हुंदा है कि जो साडे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल घूम रहे हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल दे विचों जो जदों उहनां दी मात्रा वध जांदी है ते साडे सैल दे विचों ऑक्सीजन लैवल घटा देंदे ने, स्ट्रैस लैवल वधा देंदे ने। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये जिहड़ी भी चीज़ तुसीं एंटीऑक्सीडेंट लैंदे हो वह फ्री रेडिकल नूं रिमूव करदी है बॉडी दे विचों, ठीक है। तो और जो असी आंवला यूज़ करते हैं, आंवला के अंदर एक गुण नैचुरली है, बहुत अल्टीमेट गुण है। और दूसरी वड्डी चीज़ है कि आंवला दे विच विटामिन सी का सोर्स बहुत ज़्यादा है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी नूं कहा जाता है। इस करके नॉर्मली आप जिवें नींबू के बारे सुनते हैं, नींबू दे विच विटामिन सी मिलता है, ऑरेंज दे विच संतरे च विटामिन सी मिलता है, अमरूद च भी विटामिन सी मिलता है, लेकिन नींबू नालों 17 गुणा ज़्यादा विटामिन सी आंवला च है, संतरे नालों 20 गुणा ज़्यादा आंवले च है, और अमरूद नालों 3 गुणा ज़्यादा आंवले दे विच है। हाँ जी, 17 नींबू और 20 संतरे, ठीक है, और 3 अमरूद, हाँ एक आंवले दे विच उन्हां जिहड़ा कि सोर्स पाया जाता वा विटामिन सी का, ठीक है। सैकेंडली ये हैगा कि आंवला साडियां अखां दे लई, वालां दे लई, लीवर दे लई, छोटी और वड्डी आंत दे लई, ठीक है, पित्ते दे लई, स्किन दे लई, और साडे जिहड़ा अर्थ हड्डी वाला जिहड़ा अपना तंत्र है, ठीक है, स्केलेटन जिहड़ा तंत्र अपना हुंदा है पूरे दा पूरा पिंजर तंत्र जिहड़ा हुंदा वा, उहदे विच क्योंकि इहदे विच कैल्शियम सोर्स भी बहुत अच्छा बॉडी लैंदी हैगी आ, 206 दीआं 206 हड्डियां दे अंदर जिहड़ा पानी दा लैवल है, जिहदे नाल हर हड्डी दे जॉइंट दे विच इक लुब्रिकेंट ने तैयार होना हुंदा है, उस उहदे सोर्स नूं उहदी मात्रा नूं इह पूरा करन दे विच बहुत ही अच्छा योगदान निभांदा हैगा। और इह सब तों अफोर्डेबल इस टाइम ते धरती दे उत्ते सब तों अफोर्डेबल मतलब सब तों सस्ता सब तो ज़्यादा गुणकारी ये हर्ब्स हैगी आयुर्वैदिक दे विच। तुसीं ये दस्सिया कि ये
आंवला जिहड़ा वो इन्ना गुणकारी हैगा ते इन्ने तरह के जिहड़े प्रोडक्ट एक पासे रख दिते जाण ते सिर्फ एक आंवला एक पासे रख दिता जावे ते ये इन्ना ज़्यादा गुणकारी है उहदे चों आपां काफ़ी कुछ लै सकते हैं ते फिर इम्यूनिटी भी बूस्ट करता होना रोगों नाल लड़न की ताकत तो बहुत ही अल्टीमेट बॉडी की हैल्प करता उन्होंने लैके तो ठीक है। इस तो अलावा कफ की समस्या हुण जिवें जिहड़ी चीज़ तो गल तो तुसीं गल स्टार्ट कीती सी कि इस तरह का किहड़ा एक हर्ब कोई भी है जिहदे अंदर तीनों ही बॉडी के जिहड़े आयुर्वेदा के अंदर वात पित्त कफ नूं बैलेंस मिले तो वो चीज़ नेचर ने अंदर पाई हुई है। अदरवाइज आयुर्वेदा के अंदर हर्ब वाइज गल करिए कोई वात की हर्ब है कोई कफ की है कोई पित्त की है ये कल्ला ही तीनों नूं बैलेंस करेगा ठीक है। और ये नाल साडा जिहड़ा रोगों लड़न की ताकत इम्यूनिटी हुण जिवें अस्थमैटिक पेशेंट ने ठीक है अस्थमैटिक पेशेंट की इम्यूनिटी सब तो घट होंदी है ठीक है। उस तो अगे जिन्हां नूं बीपी की प्रॉब्लम आ जिन्हां दी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जिन्हां नूं कॉन्स्टिपेशन रहिंदी हैगी है जिन्हां दी अखां दी रोशनी कमज़ोर है तो वो इनू रैगूलर अपनी रैगूलर डाइट का एक हिस्सा बनाउण ठीक है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ एक चीज़ मैं जरूर दर्शकों भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा असी जदों इस तरह दी नैचुरल चीज़ों नाल जुड़ते हैं ना सानू सब तो पहला अपने रोग के सुभा का भी पता होना चाहिए ठीक है। पेशेंट कई बार सोचता है कि मैनू मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कोई डायबिटिक पेशेंट है ठीक है क्योंकि डायबिटिक के उत्ते भी आंवला बहुत अच्छा काम करता है मदद करता शरीर की और जां कोई अस्थमैटिक पेशेंट ही है ठीक है सानू उन्हां रोगों के सुभा का पता होना चाहिए। किसी नूं सिर दर्द हो रहा है उस समस्या का सुभा एक टैंपरेरी है वो अज हो रहा हो सकता दो घंटे ठीक हो जाए ठीक है। सानू फीवर हो गया बुखार का सुभा वो सीजनली है जां डे बाय डे का हुंदा हो सकता तीन दिन रहे बॉडी हो सकता 15 दिन रहे लेकिन 12 महीने तो नहीं ना रहेगा 12 महीने जो रहेगा तो उसके पीछे कारण होर भी बहुत कुछ होंगे उन्हें फिर फीवर नहीं बोलेंगे आप ठीक है। तो इस तरह सानू साडे शरीर के अंदर रोगों के सुभा के प्रति पता होना चाहिए जो सानू सुभा का पता होएगा ना फिर असी किसी भी चीज़ को बड़ी पेशेंस के नाल माइंड प्रिपेयर करके उन्हें वरत पावे काले नहीं पावे ठीक है कि जल्दी जल्दी साड़ी आदत बनी है कि मैं कोई गोली खाधी सिर दर्द हट गया शायद ये चीज़ा भी उमें काम कर नहीं इनू डाइट का हिस्सा बनाया जाए और रैगूलर अपने डाइट के असं ऐड करिए कम से कम 12 महीने ने साल के 6 मंथ इन चीज़ों असं कॉन्टीन्यू प्रिपेयर होकर चली कि 6 महीने असं इन चीज़ों बॉडी को देना है ता जो इस सीज़न तुसी यूज़ कर रहे हो नैक्सट सीज़न तुहाडी बॉडी की इम्यूनिटी तुहानू इंट्रोड्यूस करवाएगी कि हाँ कि हुण मैं कित्थे खड़ी हैगी ठीक है। तो इस करके गुणकारी बहुत है ये बच्चों इहदी बहुत जरूरत है फीमेल नू बहुत जरूरत है। अच्छा इनू प्रैगनेंसी दे विच ठीक है इहदा सेवन बहुत फायदे दिंदा प्रैगनेंसी दे विच अक्सर आपां प्रॉब्लम सुनते कि वॉमिटिंग्स की उल्टियाँ आदि ने अगर आप मुरब्बे का सेवन करते हैं ये जूस का सेवन करते हैं तो उल्टिया की प्रॉब्लम वॉमिटिंग की प्रॉब्लम तो काफ़ी निजात पाया जा सकता है ठीक है। इस तो अलावा किसी का बीपी वध रहा है तो इनू असी रैगूलर अपनी बॉडी का अपनी डाइट का हिस्सा बनाओ 30 ml 2 टाइम लवो ठीक है। उत्थे हार्ट के उत्ते जो प्रैशर होंदा भी ये घटाने दे विच अपनी बॉडी की हैल्प करता है। और तीसरे नंबर पर अगर किसी क्रॉनिकल कॉन्स्टिपेशन है बहुत भयानक कब्ज है ठीक नहीं हो रही तो ये नाल पिंक रॉक साल्ट ऐड करके रेगुलर दिन के 2 टाइम सुबह खाली पेट और एक ईवनिंग टाइम जो 5 बजते ने ठीक उस टाइम पर भी साडा पेट तकरीबन खाली हुंदा है उस टाइम तुसीं इनू अपनी डाइट का हिस्सा बनाओ ठीक है। तो रेगुलर होर भी जिहड़े सिम्पटम्स ने जिवें लीवर नाल रिलेटड सिम्पटम्स ने वो भी काफ़ी सॉल्व होंदे ने जिवें कि आपां लास्ट वीडियो बनाई सी डिहाइड्रेशन दे उत्ते पानी की जो कमी होंदी है उहदा पहला सिम्पटम सानू जिहड़ा नज़र आना यूरिन च नज़र आना ठीक है। उस टाइम पर तुसीं आंवला नूं और पिंक रॉक साल्ट नूं अपनी डाइट का हिस्सा बनाओ और दिन दे विच 2 टाइम 30 ml लवो तो इन्हें लीवर की भी सपोर्ट कर देनी हैगी उन्हें भी डिटॉक्सीफिकेशन बढ़ा देनी हैगी सो ये बहुत फायदे ने सर। गल की है कि फ्री रेडिकल्स जोड़े ने बॉडी के अंदर जोड़े घूमते रहते हैं थोड़ा फ्री रेडिकल्स के बारे डिटेल दोगे की होंगे ने क्यों इदा घूमते रहते हैं कि उन्होंने होर कोई काम नहीं होता। एक्चुअल फ्री रेडिकल्स के जो असी ऑक्सीजन जो आप सह लें सह की किरिया होंगी है तो H2O साड़ी बॉडी लेंदी हैगी है 2 अणु होंगे ने ठीक है। एक अणु नूं तां सह लैण दी प्रक्रिया जी यूज़ कर लिया जाता है एक विच वेला रह जाता है
इन मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा ता जो दर्शक समझ लेंगे। तो अच्छा हूँ जी सह लैन की प्रक्रिया तो साड़ी चलनी चलनी उन्होंने बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन इस करके वो एक जिहड़ा नाल फ्री रह रहा है, दो अणु ने, ठीक है। तो दो अणु होने करके एक उधर यूज हो गया वा सह की प्रक्रिया वास्ते और एक फ्री है, वो हर वारी फ्री एक नाल फ्री आ रहा, एक नाल फ्री आ रहा, एक यूज़ हो रहा, एक फ्री आ रहा। जो उन्हों की मात्रा बॉडी वध जाती है और वजह नाल ही इंसान जल्दी बुढ़ा होता है, वो वजह नाल ही साड़ी स्किन ढलकती है, उनकी वजह नाल ही साढ़े चेहरे ते साड़ी बॉडी ते बुढ़ापा आता है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा जो वधदी अंदर, ठीक है। जो अच्छा उहदे लई अगर असी लंबा टाइम यंग दिखना चाहते हैं, ठीक है, लंबा टाइम असी चाहे तुसी कह दो 60 ईयर तुहाडी एज हो जाए, ठीक है, तो 60 साल के भी हो जाओ तो भी तुहाडी स्किन इस तरह लगे जिवें 30-40 साल के इंसान की होंगी है, तो उहदे लई तुहानू अपनी बॉडी के फ्री रेडिकल्स कंज्यूम करने पैणगे, उन्होंने डिटॉक्सीफाई करना पएगा, क्योंकि उन्होंने होर तरीके फ्री रेडिकल यूज़ नहीं किया जाता, उन्होंने सिर्फ डिटॉक्सीफिकेशन की जाती है जनू बर्न किया जाता, तो बर्न करने वास्ते एंटीऑक्सीडेंट दिता जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट ता इन कहा जाता है, ठीक है। तो उस उत्थे आमला वैसे एंटीऑक्सीडेंट की आप लिस्ट वाल जावे ना, बहुत महंगे महंगे जिहड़ियां हर्ब्स भी ने और फ्रूट्स भी ने, बहुत महंगे महंगे जिन्होंने असी एज ए इंडियन आप सोचिए तो वो साड़ी खाने वाली थाली च फिट नहीं बैठते। मैं तो स्टार्टिंग ते कहा कि इस सब तो सस्ता ते लंबी उम्र दे राज दा एक वाली एक हर्ब है आमला, जिन्हों गरीब तो गरीब इंसान भी करे अपने कोई मुरब्बा बना के रखे, कोई अचार बना के रखे, लेकिन साढ़े खाने दे विच आमला किसी ना किसी रूप च होना चाहिए। सीजन वाइज चेंज करो, साल च 3 महीने तुसीं मुरब्बा यूज़ कर लिया, 3 महीने तुसीं इहदा अचार यूज़ कर लिया, गर्मियाँ आ गईयां ने जिवें हुण इस टाइम गर्मियाँ का मौसम है, तो इस टाइम तो इहदी शरबत, इहदी सिकंजमी, ठीक है, ये साडे घर दे विच रेगूलर चाहीदी है, कोई बच्चों रेगूलर दो दोपहर के टाइम पर, ठीक है। नॉर्मली इन दिनों के लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड एक वाटर ही है एक तरह का जिहड़ा कि बॉडी एसिड लैवल में वधा दिंदा, पीएच घटा दिंदा, उहदे नाल कितने 100 गुणा बेस्ट है। इन्हें पीएच बहुत उपर लै जाना, ऑक्सीजन लैवल वधा देना, ब्लड नूं साफ करन लग पैना, साडे हर ऑर्गन दी जिहड़ी ने इम्यूनिटी वधा देनी हैगी है, साडे लंग्स ज़्यादा फिल्टर करनगे, साडी किडनी ज़्यादा फिल्टर करेगी, साडे जिहड़े हार्ट की पंपिंग च इफेक्ट आएगा, क्योंकि जिहड़ी आपां फ्री रेडिकल की गल की है तो फ्री रेडिकल ने सर हर सैल के अंदर ऑक्सीजन लैवल घटाउणा है, तो हर जिहड़ा ऑर्गन है उहदे नाल टिशू जुड़िया, टिशू तो पिछे सैल बनया, ठीक है। तो ये इस तरीके जिहड़ा स्ट्रक्चर है वह सारे स्ट्रक्चर ने साफ सुथरा रखना है अपने एंटीऑक्सीडेंट पावर के नाल। बहुत ही अल्टीमेट एक हर्ब्स है, मैं असी अक्सर इनू प्रमोट करते हैं और इनू जिवें हुण गर्मियां ने असी हर पेशेंट नू इनाल दसदे हैं कि तुसी मेडिसिन चाहे कोई भी लै रहे हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, अस्थमैटिक पेशेंट हो, बीपी दे पेशेंट हो, हार्ट फेलियर दे पेशेंट हो, नींद नहीं आ रही, कब्ज दे पेशेंट हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हैगी है, कैंसर दे पेशेंट हो, अच्छा कैंसर दे नाल लड़न दी जिनी शक्ति ये दिंदा बॉडी नूं, आई थिंक इन्नी अफोर्डेबल तो सस्ती और चीज़ नहीं है, और यदी अगर असी दुनिया दे विच वर्ल्ड लैवल दे उत्ते दा मापदंड लभीए तो जो चीज़ा आई थिंक मैं सिंपल भाषा समझाउणा, जिहड़ी चीज़ 10,000 की वैल्यू दी है उस कैंसर वर्गे रोग च एज ए फ्रूट एज ए हर्ब, जिहड़ी चीज़ की वैल्यू 10,000 है उस चीज़ की वैल्यू एक आमला है, ठीक है। तो इहनूं सिंपल समझना होवे दर्शकां ने तो आमला साढ़े खाने 12 महीने 30 दिन होना चाहिए अलग अलग रूप च, किते मुरब्बा, किते अचार, किते सिकंजमी, किते शरबत, किते नॉर्मल जूस की तरह। तो इनू जे कोई 2 साल रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा अगर बना लिए, 2 साल 24 महीने मैं कह रहा, 3rd साल तो सर उस इंसान की जिहड़ी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी स्किन है, उसकी आईसाइट है, उसकी हड्डियों की ताकत है, वो अगर कोई 40 साल की एज के इस कोर्स में फॉलो कर रहा है आमला दे नूं, ठीक है, तो वो अपने हम उम्र नूं जदों देखेगा तो उन्हें जो 3rd साल अपनी बॉडी नूं देखना हैगा, लोगों ने उन्हें देखना हैगा, वो होता 42 साल 43 साल का शुरू हो चुका होगा लेकिन बॉडी उसकी 33 साल की नज़र आने लग पेगी। हाँ जी उम्र देखने घटेगी, इन्नी नरिशमेंट स्किन के उत्ते आ जानी है,
बॉडी एक्टिव, क्योंकि फ्री रेडिकल्स कंज्यूम करवाते ना उन्हें सारे सारे, और फ्री रेडिकल ने सानू बुजुर्ग करना, ठीक है। इस करके मात्रा साड़ी खाने दे विच होनी बहुत जरूरी है। मात्रा जिहड़ी है खाने च होनी जरूरी है। तुसी इह वी दस्सिया वी इहनूं जूस दा हिस्सा बनाओ, चाहे इसनूं खाने दे विच हिस्सा बनाओ, चाहे इसनूं अलग अलग जिहड़े मुरब्बे दा हिस्सा बनाओ, अलग अलग जिहड़े तरीके दे नाल तुसी इसनूं लै सकदे हो। एक जिहड़ा मेरे सामने भी रख्या होया आंवला, ਇਹ ਜੂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੀਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੋਵੀਰਾ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਪਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਵੀਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟਸਟਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੋਕਸੀਫਾਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 50-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਟਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 30 ml, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਆ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ OTPT ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ESR ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸ ਇੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ R&D ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਫੂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਮਨ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਔਫਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਔਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਔਫਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੋਟਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮੈਂਬਰ ਪੱਕਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪੱਕਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਸਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਔਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪੀੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਔਫਰ ਕੀਤੀ, ਸਕੰਜਵੀ ਔਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੋੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਔਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਟਲ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਰਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਇਹ ਰਖਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 30 ml ਦਾ, 30 ml ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੰਕ ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼,
हाँ ये वाला अपना पिंक रॉक साल्ट ये भी आप ऐड कर रहे हैं ठीक है हूँ हाँ जी एलोवीरा का पल्प पाया होया और नाल आमला हैगा ठीक है गाढ़ा हैगा पूरा हाँ जी हाँ जी पूरा एक कंसंट्रेट हैगा और नेचुरल है सर कोई भी ये अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया इन कंसंट्रेट करने लिए भी कुछ भी ये कोई कैमिकल यूज नहीं किया गया बहुत नेचुरली ही इन आप तैयार किया ठीक है 30 ml हाँ जी हूँ आप पिंक रॉक साल्ट की मात्रा ऐड करा उस स्वाद अनुसार कि सॉल्ट लाइक कर दो लीची जूस हों उस तरह का मैं यह नज़र आ रहा तो गुण कि हो गए तो सियाण की कहावत है सियाने का क्या औले का खादा ये बाद च पता लगता है ठीक है और इनू जो तुम खाओगे रैगूलर अपनी हैबिट का हिस्सा बनाओ तुम भी रैगूलर टूर एंड ट्रिपिंग से रेंदे हो दूर दूर जाते हो इंटरव्यूज करते हो अच्छे अच्छे लोगों को लभद हो तो उस टाइम तो बॉडी डिहाइड्रेट ना हो गर्मी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मौसम उस तरह का है मूँह सुकता है बस आमले की बोतल ना रखो ठीक है नाल पिंक सॉक साल्ट रखो और मिक्स करो और तुसी इनू और कुलवंत जी मैं कहूँगा कि वो साढ़े लिए भागा भर तुम पैक का ना ले लिया वो भागा भरया दिन होएगा जिदन साढ़े घर आमला वर्गी ग्लो वर्गी इस तरह दिया हर्ब्स के पैक लगन लग शुरू हो जाएंगे हर्ब्स का पैक सुनेहा दे सही है क्या बात सर गोलगप्पे का पानी पीने ना पुदीने वाला और वार वार कहने थोड़ा जहा होर पा दे गोलगप्पे चाहे 10 रुपए के खाने तो पानी तो इन्होंने मंग लें तो वह भी फिर जो तीसरे बार पाँगा 10 दिता भी मेरे तो होर ना मंगी लेकिन उ सेम फ्लेवर यदा आ रहा मैं कहना भी अगली बार जो गोलगप्पे लिया तो पानी ही मिक्स करके किया जा सकता सर डॉक्टर साहब ये कमाल की चीज़ वाकई तुम जो गोलगप्पे का पानी की गल की है तो वह तो नुकसान करता ही करता लेकिन ये जी चीज़ हैगी है अपने आप दे जी एक वक्रा टेस्ट है और जिस तरह के तुम गुण दसे ने उसनों जेकर बंदा ये चीज़ में रोजाना लेंदा है तो दिनों के जो शरीर के फर्क पैंदा स्किन के बहुत फर्क सर मैं क्या कि देखो आप इन्हें जो तो पैदा हुए हैं रोज़ दरोज़ कुछ खा ही रहे हैं ना वो जो कुछ कुछ भी खा रहे हैं उस कुछ भी देख असं इन्होंने चीज़ों भी ऐड कर लिए इसलिए असं स्ट्रैस क्यों लें जो मान लो तुम किसी कह दो पर्टिकुलर कि मैं तुम्हें कह देना सर कुलवंत जी यूँ रोज़ 30 ml लेना तो आप स्ट्रैस ले लें अच्छा इन मैं रोज़ 30 ml लेना भाई रोज़ रोटी नहीं खाते रोज़ पानी नहीं पीते रोज़ असी चाह नहीं पीते ठीक है रोज़ असी जो भी सा मन पाँगा वो नहीं खाते तो इनू क्यों नहीं अं रोज़ ऐड कर सकते घर बोतल ही रखनी है 30 ml दो बारी आप बनाया पिंक सॉल्ट गर्मिया ने तुम पूरा गर्मिया सीजन में यूज़ करो सर्दियाँ थोड़ी बॉडी के एनर्जी लैवल ने दस देना तुम ठीक है जी जो 12 महीने यूज़ कर लिया तो नैक्सट सीजन तुम दस देना ठीक है तो बहुत ही इफेक्टिव हर्ब्स है सर अखा की रोशनी वालों का झड़ना वालों का सफेद होना छोटी उम्र के भुख ना लगना अज किन्ने पेरेंट्स की सर ये प्रॉब्लम आ साढ़े को पेरेंट्स आते कहते डॉक्टर साहब साड़ा बच्चा खाता नहीं कुछ सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते सर उन उदी डाइट च ऐड करो इनू जिन्हू मिठा पसंद है तो मिश्री घोल दियो शहद पा दियो ठीक है जी जिन्हें जिन्हें भी कफ के पेशेंट ने खांसी का इलाज करने वास्ते इनू हल्का जहा आप कोसा पानी ऐड करना है हल्का जहा तुसी शहद ऐड करके दियो उनू ठीक है कफ का इलाज भी हो गया ठीक है अगर किसी नू दूसरा स्किन की प्रॉब्लम हैगी है जां किसी नू कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम हैगी है तो उन्होंने पिंक रॉक साल्ट ऐड करके दे दो ठीक है अदरवाइज रेगुलर इनू शरबत जूस बहुत सारिया रेसिपीज ने बट जूस की तरह लिक्विड की तरह इनू बहुत अच्छे अच्छे फायदे ले जा सकते हूँ तो यह दसीए कि दिन के जनू सवेरे शाम तुम दसिया भी दो टाइम इनू लिया जा सकता तो लगातार लेंदा ये कोई किसी तरह की जो बंद कोई बीमारी हो
किसी भी तरह की, तो वो यदा परहेज़ भी है भी इनू नहीं लै सकता या हरेक तरह की बीमारी के भी बंदा लैसा ये नहीं परहेज़ मतलब क्योंकि वात पित्त कफ से उन्होंने तो इन्हें बैलेंस ही कर देना ना ठीक है। तो और इम्बैलेंसिंग जी है बॉडी या वात की या पित्त की या कफ की चौथी तो कोई है ही नहीं बैलेंसिंग, इन्हें तिना से बैलेंस करना। हाँ इन्ना है हों जिमें कफ का पेशेंट है वो इन्हें नॉर्मल जहाँ ठंडे पानी ना लवे वो गर्म पानी जो लवे ठीक है, गर्म पानी के लैके ये शहद ऐड कर रहे कफ के उत्ते बहुत अच्छा रिजल्ट है। अस्थमे के पेशेंट में भी वो भी गर्म पानी के लवे इन पिंक सॉल्ट ऐड करे चाहे शहद ऐड करे बहुत अच्छा रिजल्ट है वह जी 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 जी। हूँ ये है कि कड़ी उम्र के जड़े बच्चा बुढ़ा जवान तो उन्होंने जी डोज भी जी है अलग अलग होंगी है कि सारे 30 ml देना है। देखो जिस असी जिस रेशो च असी इनू तैयार किया इस करके असी इन एक बड़ी न्यूट्रल जी रेशो च तैयार किया, बच्चा भी चाहे 30 ml पी लवे ठीक है और बजुर्ग भी चाहे इनू 120 ml पी लवे ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर कोई भी हाइपर एक्टिविटी उन्होंने नज़र नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इन असी बनाए उस रेशो के ठीक है। बच्चे 30 ml देखो आप 30 ml पाया तो आप अद्धे गिलास इनू एक गिलास भी कर सकते थे आप ठीक है, और अच्छा 30 ml दे नाल तुसी इहदे 2 ग्लास भी बना सकते हो, सीमा नहीं हैगी भी किन्ना पानी पाना तो किन्ना कुछ वधा सकते हैगे, 2 ग्लास 30 ml दे नाल तुसी 2 ग्लास शरबत बना सकते हो। हाँ विच एक्स्ट्रा मिश्री ऐड कर लो, एक्स्ट्रा तुसी काली मिर्च ऐड कर लो, एक्स्ट्रा तुसी पिंक सॉल्ट ऐड कर लो तो इहदा फ्लेवर होर निकलदा होंदा जी 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 जी। इहदे च हुण इह दसो भी इह किस तरह दे जड़ी बीमारी दे विच इह बाकी दी दवाई दे नाल जिहड़ा जिवें एलोपैथी दी दवाई कोई लै रहा बंदा जां कुछ कर रहा कितें उस चीज़ दे नाल कोई रिएक्शन तां नहीं हैगा इन्हां चीज़ां दा? उस चीज़ नाल कुछ नहीं है, बस इहनूं रैगूलर आपां इक जिवें सुबह 30 ml ले लिया ठीक है, वह जो वो चीज़ आपां जरूर देखनी अगर कफ नाल रिलेटड है तो इहनूं गर्म च लैणा, अदरवाइज़ नॉर्मल पानी च लो। हाँ फ्रिज के पानी च नहीं लेना, घड़े के पानी के लो बहुत अच्छा रहेगा, और सुबह 30 ml लवो और शाम 30 ml लवो ठीक है, और 3 times भी लै सकते जिन्होंने मोटापा है मोटापे से बहुत अच्छा काम करते कुछ एलोवेरा भी है और आमला भी दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो मोटापे वाले पेशेंट वास्ते भी बहुत अच्छा हैगा। लेकिन एक चीज़ जी जरूरी है सर वो चाहे आमला तो एलोवेरा तो या होर भी कोई हर्ब्स ने उन्होंने भी सानू पहला प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने रोग के टैंपरामेंट रोग के सुभा के बारे, फिर असी उन्होंने एक लंबा टाइम प्रिपेयर होकर यूज़ करिए ठीक है। इन्हों आप गोलियां की तरह ना लीए जिन्हों असी रैगूलर लें तो ठीक हो जाने फिर लें ठीक हो जाने वो भी ना लीए, ये फूड है साडा एक फूड की तरह इन्होंने हर्ब्स में ऐड कर सकते तो हूँ ये यह है भी क्योंकि आंवला जड़ा वो जोड़ा स्वाद है वह खट्टेपन च हों तो अक्सर एक जोड़े सवाल ये पैदा होएगा कि खट्टी चीज़ लै जे आप पीने या खाने या कुछ भी करते हैं तो गले में जोड़ा वो खराबी पैदा करती है, गला दुखन भी लग सकता गले के सोज भी आ सकती किस तरीके भी हो सकता ये इसका जोड़ा जो जे सवाल होंगे तो वह जवाब है सर जो गर्म पानी चलाओगे ना ये कभी भी गले के उत्ते साइड इफेक्ट नहीं दिता। हाँ गर्म पानी के जो नॉर्मल चलावे ठंडे चलावे तो डेफिनेटली जिन्हों जे कफ न रिलेटड पेशेंट ने उन्होंने फिर समस्या बनेगी। हुण अस्थमेटिक पेशेंट नूं तो कफ दा ही पेशेंट हुंदा ना उहनूं असीं गर्म पानी नाल रिकमेंड करदे हां तो उहनूं रिलीफ आउंदा ठीक है, वह जे उही नूं ठंडे च लै लवे जां डायरैक्ट लै लवे उहनूं प्रॉब्लम आ जाणी ठीक है, ये हुंदा तस्वीर चेंज हो जांदी है जी। तुसीं न्यूज़ एशिया पंजाबी दे दर्शकां नूं तुसीं आंवला दे जिहड़े गुण दसे उस दे अंदर दीआं जिहड़ियां पावरां दसियां उहदे बीमारियां नूं ठीक करन दे जिहड़े उस दे अंदर जिहड़े जिहड़े गुण ने उस तो सारा जाणू करवाया बहुत बहुत धन्यवाद जी। न्यूज़ एशिया की सारी टीम नू और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते इन्ना प्यार दे रहे हैं सारिया वीडियोज़ नू और लाइक कर रहे हैं और नाल आशीर्वाद भी बहुत देंदे ने कमेंट्स दास भी पढ़ता रहिंदा और न्यूज़ एशिया पंजाबी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक इन्ना अच्छा उपराला किया बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जिन्होंने आंवला आंवले दे विच किस तरह के दवाई गुण दवा गुण जिहड़े ने हैगे ने किस तरीके दे नाल साडे शरीर दे उत्ते किन्ना किन्ना असर करके किस तरीके दे नाल साडे शरीर दे अंदर दा तंदुरुस्ती लैवल नूं वधा सकदा, आंवले दे अंदर किहड़े किहड़े फ्रूट्स किहड़े किहड़े जिहड़ी है उस होर जिहड़े खाण पीण वालियां चीज़ां दे विच जिहड़े अंदर जिन्ने तत् ने उहनां नालों किन्ने वध तत् जिहड़े सिर्फ एक आंवले दे विच ही आउंदे ने
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਵੀਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।